मेरठ में डीएम ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण, लोगों से व्यवस्थाओं के लिए जानकारी। सहारनपुर में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का हुआ पर्दाफाश, डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार। औरैया में समाधान दिवस का आयोजन, शिकायतों का मौका पर किया गया निस्तारण। सुल्तानपुर में भारत भूषण मिश्र की मनाई गई 80वीं जयंती, गरीबों में किया गया कंबल वितरण। लखनऊ में नगर निगम अधिकारी की दिखी लापरवाही, काम को लेकर दिखे उदासीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का देहांत हो गया, उनकी मौत के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और शोकाकुल परिवार का ढांढस बांधा। आज प्रातः 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने भौतिक देह को छोड़ करके परमधाम की यात्रा पर प्रस्थान किए हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सहजता, सरलता, विद्वता और समन्वय का जो एक उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उस एक युग का अंत हुआ है। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरठ में जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रैन बसेरी गौशाला और अलाव आदि का स्तरीय निरीक्षण कर जायजा लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान रैन बसेरी में विश्राम कर रहे लोगों से बातचीत कर सर्दी से बचने के लिए कई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली, जिस पर लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की। नहीं, देखिए सभी नोडल ऑफिसर्स और सभी मजिस्ट्रेट्स को ये निर्देश पहले से थे कि अपने रैन बसेरों का, अपनी गौशालाओं का, इन सब का निरीक्षण करें, क्योंकि कोल्ड वेव है और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है। और इसी के क्रम में सभी अधिकारी निरीक्षण कर भी रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे खरकौदा के शेल्टर रूम और उधर की गौशाला और यहाँ सौराब गेट पर भी एक नगर निगम का अस्थायी जो रैन बसेरा बनाया, उनका निरीक्षण किया है। तो यहाँ पे व्यवस्था ठीक है, सभी लोग सो रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं कि जिनकी सुबह बसेज हैं, आसपास यहाँ रुकते हैं। थोड़ा महिलाओं के लिए एक अलग से व्यवस्था और बैठ करने के लिए कहा गया है, बाकी ठीक है यहाँ पे टॉयलेट। सहारनपुर में जिला अस्पताल में फर्जी मेडिकल बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि जहां एक तरफ से योगी सरकार अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में सफेद पोशाक पहनने वाले कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी मदद से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। पूरा मामला यूपी के सहारनपुर स्थित जिला अस्पताल का है। फर्जी मेडिकल बनाने में डॉक्टर बीडीएस शर्मा का भी नाम सामने आया है, जो अधिक मुनाफा कमाने को लेकर झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करते थे। एसपीटी सर, ये जो क्या मामला है, किस तरह से आप लोगों ने एक बड़े मामले को पकड़ा, ये कैसे कैसे इसका क्या है? जी, एसएसपी सहारनपुर सर के कुशल पर्यवेक्षण में ये जनकपुरी टीम ने और एसओजी टीम ने एक स्कैम का अनावरण किया है। यह स्कैम इस तरह चल रहा है कि इसमें फर्जी मेडिकल बनाए जाते हैं अपने सरकारी अस्पताल से ही। इसमें से जो आज अभियुक्त हम जिसको गिरफ्तार करके भेज रहे हैं, ये फर्जन है इसका नाम, और ये दलाली का काम करता था। ये वकीलों के संपर्क में रहता था और कुछ कॉन्टैक्ट इसके एसबीडी अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों से भी थे, जो उसके कहने पर गलत मेडिकल बनाया करते थे। उसके आधार पर जिससे धारा बढ़ जाए या दूसरे पक्षों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ प्रदेश को सजाने सवारने में जुटे हैं, तो वहीं उनके अधिकारी उनकी किरकिरी कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ का है, जहां एक शिकायतकर्ता ने लखनऊ नगर निगम के अधिकारी को फोन करने की हिमाकत कर देता है, जिसके बाद अधिकारी ने फोन करने वाले शख्स को उदासीनता से भरे जवाब दिए। बता दें कि कुर्सी रोड स्थित अपार्टमेंट में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है।
बड़े बच्चों समेत अभी तक कुत्तों के झुंड ने 8 लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसको लेकर अपार्टमेंट निवासी ने टेलीफोन के माध्यम से नगर निगम अधिकारी से बातचीत की थी। हेलो भाई सर, नमस्कार। राव सर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। राव सर, विवेक शर्मा बोल रहा था सस्ती अपार्टमेंट से। बताइए भाई साहब, हमारे यहाँ बड़ा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। संडे के दिन कोई काम नहीं हो पाता है? नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। औरैया की सदर तहसील में डीएम एसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें डीएम से अधिकारियों को समस्याओं का गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही आयोजित संपूर्ण समाधान में 76 में से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनने के उपरांत संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए। लखीमपुर में दशरथ मांझी के पचिन्हों पर चलकर ग्रामीणों ने खुद से ही कार सेवा पर नदी कर लकड़ी का पुल बना लिया। बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के झूठे वादों से परेशान ग्रामीणों ने खुद ही पुल बनाया और खुद ही पुल का उद्घाटन भी कर लिया। बता दें कि तहसील निघासन के टाइगर प्रभावित ग्राम दलाजपुर और मझरा पूरब गांवों के बीच नदी पर स्थानीय ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के सहयोग से लकड़ी का पुल बना लिया। इस पुल का उद्घाटन ग्राम प्रधान दलाजपुर जितेंद्र सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। कौड़ियाला घाट के गुरुद्वारे के जो सदर हैं आदरणीय बाबा काला सिंह जी और बाबा लखा सिंह जी, जो कि दलराजपुर गुरुद्वारे के सदर हैं और दलराजपुर के प्रधान जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने पब्लिक की मदद के लिए जो पुल बनाया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सिख भाइयों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जहाँ कहीं भी तकलीफें और दुख होती हैं वो लोग खड़े मिलते हैं और समाधान करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जरनैल सिंह। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? हम निवासी हैं दरलाजपुर। अच्छा, जो ये आप लोगों ने पुल बनवाया है, इस पुल के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम यह कहना चाहते हैं, बहुत साल हो गए हैं कोई प्रयास करते हुए, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री आए थे, कोई प्रयास नहीं सुनी। कहते पुल बना देंगे, रास्ता बना देंगे, जंगल का में रास्ता भी बना देंगे, पुल बना देंगे, कोई उपाय हमारा नहीं हुआ। और बंधा पर बाघ और जंगल वाले रास्ते में बाघ ने इतने हत्या कर दी, कोई किसी की सुनाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने प्रधान जितेंद्र सिंह उर्फ पिंका, इसने और जनता ने मिल सुल्तानपुर के प्यागीपुर चौराहे के पास निजी आवास पर भारत भूषण मिश्र के 80वीं जयंती मनाई गई। इस भीषण ठंड में बचने के लिए गरीबों और महरूमों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गरीब तबके के लोग शामिल हुए। तो वहीं मिश्र के परिजनों ने बताया कि भारत भूषण जी पहले भी गरीबों को सहयोग के लिए आगे खड़े रहते थे और आज वो नहीं है तो उनका सपना हम लोग पूरा कर रहे हैं। मैं अनमोल मिश्रा प्यागीपुर का निवासी हूँ। और ये किस जगह आज कार्यक्रम कर रहे हैं और लगभग कितने सालों से करते आ रहे हैं? आज हमारे दादाजी की जयंती है, 80वीं जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है हर साल प्रतिवर्ष की तरह। और ये उनके उपलक्ष्य में होता है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो पथ दिखाया है हम लोगों को, उस पर हम लोग चलने का एक प्रयास करते हैं। और ये जो भी लोग आए हैं ये हमारे परिवार जैसे हैं और उनके रहते हुए भी ये एक परिवार की तरह थे, इनकी ज़रूरत पे हमेशा।
औरैया में फम्फू थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनपुर निवासी ग्राम विकास अधिकारी यमुना नदी में गिर गए। वहीं मछुआरों ने मढ़ापुर के पास से उसे सुरक्षित बाहर निकालकर उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच करने में जुटी हुई है। ये उदय नारायण नामक एक व्यक्ति 48 वर्ष का लगभग 3 बजे जिला अस्पताल औरैया में आया है, जो परिजनों द्वारा सूचित किया गया है कि ये नदी में गिरे थे, वहाँ पाए गए। अभी हालत इनकी स्थिर है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गुमवा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने 4 माह के बेटे को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के साथ शव को कब्जे में लिया और आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। ये थाना गोसाईगंज क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे एक महिला के द्वारा अपने ही 4 से 5 साल की शिशु की हत्या कर दी गई है फावड़े से। जहाँ तक कारण के बारे में पता चल रहा है, जहाँ तक पूछताछ हुई है, मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ लग रहा है। महिला हरदोई में कोतवाली इलाके में एक किशोर के घसीटने का हादसा सामने आया था, जिस पर एसपी ने फिर एक बार बयान अपना जारी किया है, जिसमें उन्होंने हादसे के पीछे भय की वजह बताई। भीड़ के दौड़ने से चालक खौफ में आ गया, जिससे वह करीब 1 किलोमीटर तक किशोर को घसीटता ले गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने चालक की पिटाई कर दी और कार को पलट दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है। तभी सोल्जर बहुत चला पे गाड़ी वाले आया और उसमें मतलब हम लोगों की साइकिल थी और एकदम स्लिप हो गए। हम अलग साइकिल से थे, मेरा दोस्त अलग साइकिल से था, अलग स्लिप हो गए, पैर फंस गया और वो तब तक की जान खुल गई। वहाँ से घसीटता हुआ गाड़ी ले गया और फिसलते फिसलते फिर पूजा होटल वाली गली से आके इधर बड़े चला पे रोका के अभी लोग रुकते हैं, लेकिन वो रुके ही नहीं। जो अभी तक जानकारी हुई है, कल साया छात्र है कोतवाली शहर क्षेत्र में, साइकिल से जा रहा था, अचानक एक वैगनआर से उसको टक्कर लग गई और उसका पैर फंस गया कार के बम्पर में और चालक को जो है वो भय के मारे गाड़ी दौड़ाता रहा और ये बालक जो है वो इसी में गाड़ी में फंसा रह गया, जिसको आगे चल के रोका गया और पुलिस द्वारा छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें चालक के विरुद्ध एक्सीडेंट की धाराओं के साथ साथ 308 धारा भी लगाई गई है, जो कि उसके द्वारा गंभीर भर्ती किया गया है। जो छात्र है उसको गंभीर चोटें नहीं आई हैं, जिला अस्पताल में इलाज के पश्चात उसको लखनऊ रेफर किया गया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।